उठाते हुए सिर्फ हाथ जख्मी नहीं होता, दिल भी होता। आप प्लीज अपने दोस्त को समझा लें, मेरी जिंदगी में वैसे ही बहुत मसले में इजाफा मत करें। आप होते कौन हैं जो वो आपकी पसंद नापसंद से जिंदगी गुजारेगी? मुझे वहाँ जाना हो। मेरी बहन की जिंदगी में आप बहुत जहर खोल चुके हैं, अब मजीद इन सब चीजों की गुंजाइश नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया ड्रामा सीरियल सुकून की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि रज़ा जब आयना को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा होगा तो आयना की माँ वहाँ आ जाएगी और आयना पर शक करेगी। आयना को समझाएगी कि उसे ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे उसके बाप की इज्जत पर कोई उंगली उठाए। आयना के कॉलेज में धमाका होता है, आयना जख्मी हो जाती है। जैसे ही रज़ा को ये मालूम होगा कि आयना के कॉलेज में धमाका हुआ है, रज़ा फौरन वहाँ आ जाएगा। हमदान उसे रोकने की भी कोशिश करेगा मगर रज़ा नहीं रोकेगा। रज़ा आयना की मदद करेगा, रज़ा आयना को मोहब्बत भरा खत लिखेगा। आयना जब वो खत पढ़कर मुस्करा रही होगी तभी वहाँ आयना की माँ आ जाएगी। आयना की माँ खत देख लेगी और बहुत गुस्सा होगी और थप्पड़ भी मारेगी, तुम्हें अपने बाप की इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं है। आयना की बहन को बर्दाश्त नहीं होगा कि माँ ने आयना के थप्पड़ मारा है। वो रज़ा के पास जाएगी और कहेगी कि वो आयना का पीछा छोड़ दे। आयना की बहन रज़ा को खूब सुनाएगी कि तुम्हारी वजह से आयना की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, तुम मेरी बहन को मज़ीद तंग ना करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। आयना भी परेशान होगी तो हमदान रज़ा को रोकने की कोशिश करेगा मगर वो किसी की बात नहीं सुनता। आयना हमदान के पास जाएगी और उसे कहेगी कि आप अपने दोस्त को समझाएं कि वो ऐसा ना करे। रज़ा के सर पर तो सिर्फ़ और सिर्फ आयना की दोस्ती का बोझ सवार है, उसे मोहब्बत तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। आयना उधर परेशान है। आयना अपनी माँ को कहती है कि आप मुझे माफ़ नहीं कर सकती तो आयना की माँ कहती है कि मेरा मान टूटा है, रज़ा की वजह से आयना की ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। रज़ा आयना से मोहब्बत नहीं करता, वो आयना को धोखा दे रहा है। व्यूवर्स वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।